हेलो एवरीवन मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन हिंदी पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है कक्षा अच्छा सातवीं से लेकर कक्षा अच्छा बारहवीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में मतलब आपको ना कोई सब्सक्रिप्शन लेना है ना कोई कूपन कोड लगाना है ना कोई पैसा खर्च करना है सभी वीडियोज आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क में वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ तो बात करते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे हमारा टॉपिक क्या होगा इस वीडियो का तो हमारा टॉपिक होगा पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है टॉपिक थोड़ा सा बड़ा लग रहा है हम इसको शॉर्ट फॉर्म ये कर दें कि जो खेत का वितरण है जमीन का वितरण है वो लोगों के पास कैसा है मतलब किसके पास जमीन पर कितना अधिकार है ऐसा हम कह सकते हैं ये टॉपिक है कक्षा अच्छा नौमी की अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर एक का चैप्टर नंबर एक का नाम आपको पता है पालमपुर गांव की कहानी कहानी चल रही है उस गांव की कहानी के अंतर्गत हम उनके किसानों को देख रहे हैं और अब किसानों के पास जमीन कितनी है और किसको कितनी मिली है उसके ऊपर हम बात करेंगे साथ ही साथ इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं कि खेत का जो आकार है जिसको आप जोत का आकार कहते हैं जोत का आकार कैसे छोटा होता चला गया है उस पर भी हम बात करने वाले हैं कि उसका कारण क्या है क्योंकि हमने पहले देख लिया कि जमीन जो है वो निश्चित है फिक्स है बदल नहीं सकती फिर हमने चर्चा कर ली कि इस जमीन पर कैसे हम ज्यादा पैदावार कर सकते हैं फिर हमने बात कर ली कि क्या यह जमीन क्या यह भूमि धारण कर पाएगी है ना कि उसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में हमने बात कर ली होल्डिंग के बारे में बात कर ली अब हम बात कर रहे हैं कि जो भूमि है वो किस प्रकार वितरित हुई है वो किस प्रकार से बटी हुई है तो बात करते हैं चलते हैं वीडियो में आगे तो अब देखेंगे यहां पर कि आप जानते हैं कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि पालमपुर गांव की कहानी हम देख रहे हैं तो पालमपुर में आपने देखा था जैसे हमने स्टार्ट किए जो आप चार पांच वीडियो पहले देख चुके हैं उनमें अपन ने जब भी बात की है तो हमने देखा है कि सत्तर से पचहत्तर लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि सभी किसान हैं, लेकिन कृषि कार्य से जुड़े हैं कुछ किसान हैं और कुछ किसानी की मजदूरी कर रहे हैं किसानी की मजदूरी मतलब खेत में किसी प्रकार की मजदूर क्या हो सकता है चारा काटने के लिए फसल काटने के लिए खेत जुताई के लिए खेत बुवाई के लिए खेत में रखाई के लिए खेत की निराई गुड़ाई के लिए तो जो लोग मजदूरी पर आते हैं जिनके पास खुद का काम नहीं है लेकिन खेती के काम को जानते हैं तो वहां पर वो मजदूरी करते हैं बदले में उनको मजदूरी मिलती है तो ये बात हम यहाँ पर इसी कारण से कह रहे हैं क्योंकि जो पालमपुर के लोग हैं वो खेती करते खेती से परिचित है ये बात आप समझते हैं साथ ही साथ वो कुछ दूसरे काम भी करते हैं ताकि थोड़ी बहुत आमदनी उनकी बढ़ सके तो अब आपको पता है खेती कहां करेंगे हवा में कि जमीन में आप बताओ है ना इतना तो आप बता ही सकते हैं कि खेती जमीन पर ही होगी जमीन नहीं है तो फिर खेती आप नहीं कर पाएंगे कुछ जो सियाने लोग होंगे उनका एक कमेंट भी आ सकता है वो एक सवाल भी कर सकते हैं कि आजकल तो सर वो पाइप में खेती करें बेटा वो बहुत कॉस्टली है बहुत महंगी है और वो बहुत छोटे स्तर पर मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि पचास एकड़ में पाइप पाइप लगा दो संभव रही है उस पर सब्जियां वगैरह उगाते हैं गेहूं वगैरह नहीं उगाते सब्जी वगैरह हम उगा लेते हैं तो आ, आप कहें कि मोटे तौर पर खाद्यान्न उगाना है आपको जो कृषि उत्पाद अगर उगाने हैं तो फिर आपको भूमि की आवश्यकता हो होगी आपको भूमि पर ही खेती करनी पड़ेगी तो आपको भूमि की महत्ता इसी बात से समझ में आ जाएगी भूमि नहीं खेती नहीं भूमि नहीं खेती नहीं तो अन्न नहीं अन्न नहीं तो हम नहीं हम नहीं तो धरती का क्या मतलब हम नहीं तो सिलेबस नहीं सिलेबस नहीं तो कैमरा बोर्ड नहीं हम आप नहीं खत्म कहानी है ना तो अब क्या है भूमि आपको समझ में आ गया कि भूमि आपको क्या दे रही है भूमि बहुत महत्वपूर्ण इस पर खेती करेंगे इस उत्पादन होगा खाद्यान्न उत्पादित होगा जिसको हम भोजन के रूप में उपयोग करेंगे दुनिया भर के लोग करेंगे जो उनका पेट भरने का काम करेगा ठीक अब दुर्भाग्य बस आप बात करें यहां पर कि खेती के काम में लगे लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है ये एक दुर्भाग्य है कि भारत में ज्यादातर लोग खेती करती हैं लेकिन लगभग लग सभी के पास मतलब जितने भी लोग खेती में लगे हुए हैं सभी के पास मतलब बराबर रूप से खेती नहीं होती सभी के पास इतनी खेती नहीं होती कि वो पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर सके मतलब कुछ लोग के पास खेत बहुत ज्यादा है लेकिन कुछ के पास इतने कम है जैसे मान लीजिए दो परिवार ले लिया हमने एक परिवार ए ले लिया और एक परिवार लि, बी ले लिया इस परिवार में दो मेंबर हैं सी और डी और इस परिवार में चार छह आठ दस ग्यारह इन दो मेंबरों की पूर्ति करने के लिए इनके पास जमीन जो है वो लगभग आप देख लेना कि दस एकड़ के आसपास मान ली और इतने सारे मेंबरों का पेट भरने के लिए भी इनके पास दस एकड़ भूमि है तो मतलब क्या हुआ दस एकड़ या उससे कम है तो क्या ये दस एकड़ से ये जो पैदावार करेंगे इनके पास ज्यादा पैदावार होगी बचत ज्यादा होगी दोनों के हिस्से में अगर हम देखें तो पांच पांच एकड़ भूमि आएगी कम से कम अगर उन्हें नई नई खरीदी तो तो उत्पादन ज्यादा हो यहां क्या होगा आप देख रहे हैं यहां उत्पादन उतना नहीं हो पाएगा है ना आप देख रहे हैं इतने सारे मेंबर हैं छह दो आठ मेंबर है दस एकड़ जमीन एक एकड़ के आसपास सवा सवा एकड़ के आसपास पड़ पाएगी तो कहने का मतलब क्या है कि सबके पास अब यहां पर जब इसकी जमीन बटेगी तो क्या सबके पास पर्याप्त आ पाएगी इनके पास तो तो 1.5 1.5 1.5 1.25 1.25 ऐसी कुछ मिल पाएगी तो जब सबको नहीं मिल पाएगी तो भूमि पर्याप्त नहीं है भूमि पर्याप्त नहीं है तो इससे क्या हो रहा है कि इससे जब पर्याप्त भूमि नहीं है तो पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहे अपना जीवन चलाने के लिए बिल्कुल खेती पर निर्भर होकर काम कर पाए अब यह भी संभव नहीं उनको को सोचना पड़ेगा कि यार कुछ अलग से करें अलग से कैसे करेंगे पैसा आपके पास होगा नहीं तो अलग से नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ गलत चीजों में फंसेंगे शॉर्टकट ढूंढेंगे कर्ज के चक्कर में फंसेंगे तो इसी कारण से आप देखें कई सारे लोग फंस जाते हैं फिर बेचारे कोई मर जाते हैं कोई सदमा आ जाता है परेशान रहते हैं जिंदगी भर ये सब कारण क्योंकि हर एक किसान के पास पर्याप्त मात्रा में भूमि नहीं है पालमपुर गांव की स्थिति देखें जिस गांव की हम कहानी देख रहे हैं तो पालमपुर की स्थिति आप देखते हैं तो यहां पर आपको कुल 450 परिवार देखने को मिलते हैं जैसा हमको पता था इसमें से हमने देखे थे कि लगभग 150 परिवार के आसपास दलित होंगे तो 150 परिवारों के पास खेती की भूमि नहीं है इनके पास भूमि नहीं है और ये अधिकांश क्या है दलित हैं जब इनके पास खेती की भूमि नहीं है और ये 150 को अगर हम निकालते हैं तो ये वन थर्ड होता है लगभग कितना तैतीस दशमलव तैतीस प्रतिशत के, ते के आसपास है थर्टी थ्री के आसपास का परसेंटेज होता है इतने लोग के पास जमीन ही नहीं है खेती करने के लिए तो अब ये लोग क्या करेंगे खेती पर क्या करेंगे खेत पर क्या करेंगे खेत पर मजदूरी करेंगे और उससे फिर अपना पेट पालेंगे या इसके अलावा कोई और दूसरी मजदूरी करेंगे फिर अपना पेट पालेंगे 240 परिवार जो है 240 परिवारों के पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है जब दो हेक्टेयर से कम भूमि होगी तो इनके पास पर्याप्त आमदनी नहीं होगी मतलब दो हेक्टेयर से कम परिवार की बात कर रहे हैं बात नहीं कर रहे परिवार के पास 240 परिवार के पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है मतलब क्या हो गया आमदनी नहीं होगी आमदानी का मतलब समझते तो पैसा नहीं आएगा पैसा नहीं आएगा तो आपको चूंकि साल भर के खर्चे तो रखे हैं भाई तो फिर आपको आमदनी बढ़ानी पड़ेगी तो आप क्या करेंगे साथ में आप भी मजदूरी करना स्टार्ट करेंगे चूंकि आप किसकी मजदूरी करेंगे जो काम आपको आता है आपको ये कटाई आती है आपको खेत में बुवाई आती है आपको खेत के बारे में जानकारी है तो आप क्या बन जाएंगे कृषक मजदूरी करना स्टार्ट करेंगे कृषि मजदूरी करना स्टार्ट करेंगे आई बात तो हमने पर दो पा, दो में दो पालमपुर में प्रकार के लोगों को देखा दलित वर्ग के लोगों को देखा जिनके 150 परिवार हैं जिनके पास जमीन नहीं है जिनको आप भूमिहीन कह सकते हैं वो अपना कैसे पेट पालेंगे तो पेट पालने के लिए उनको मजबूरी में खेत के ऊपर मजदूरी करनी पड़ रही है मजदूरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप उस खेत पर मजदूरी करने गए हैं तो आपको खेत का हिस्सा मिल जाएगा आपको कुछ मजदूरी मिलेगी दैनिक के हिसाब से आपने जो दिन भर काम किया है जो भी तय होगा आपके और जो भी काम करवा रहा है उनके बीच में उस हिसाब से मिलती है सरकारी गाइडलाइन का इसमें ध्यान नहीं रखा जाता आगे अभी हम बात करेंगे कैसे ध्यान नहीं रखा जाता होता क्या है इसमें आगे हम बात करने वाले हैं और जिनके पास दो हेक्टेयर के आसपास या उससे कम जमीन है उनकी भी स्थिति क्या है खेती तो कर रहे हैं लेकिन उतनी आमदनी नहीं हो रही कि कुछ काम कर पाए तो मजदूरी में मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ रही है समझ में मजबूरी में मजदूरी इनको भी करनी पड़ रही है तो यह स्थिति हमने इनकी देखी यहां पर अब एक बात आती है कि जोत के आकार का छोटा होते जाना है ना जोत का आकार क्यों छोटा होते गया है इस पर हमें बात करनी है है क्यों छोटा होता जा रहा है? मतलब आप क्या कह सकते हैं मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपका खेत का आकार छोटा हो रहा है ना खेत का आकार छोटा हो रहा है अभी हम उदाहरण तो नहीं लेंगे यहां पर पहले आप फोटो देख रहे होंगे तो इस पर आपको कई सारी फोटो कुछ बड़े डब्बे कुछ छोटे डब्बे कुछ मीडियम साइज के डब्बे समझ में आ रहे होंगे बीच में कुछ काली काली चिड़िया टाइप की उड़ती दिख रही होगी है ना पेड़ टाइप के तो ये फसल को इंगित करते हैं मतलब ये जो डब्बे हैं वो खेत आपको बता रहे हैं ना ये क्या है खेत खेत का का वितरण वितरण आपको यहां पर देखने को मिल रहा है 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 ना क्या है ये खेत का है? मतलब क्या ये मतलब हो गया कि आप कुछ ये बड़ा खेत देख पा रहे हैं कुछ आप ये छोटे छोटे खेत देख पा रहे हैं देख पा रहे होंगे ना कुछ आप ये मीडियम साइज के खेत देख पा रहे हैं कुछ ऐसे लंबे खेत देख पा रहे हैं कुछ और बड़े खेत देख पा रहे हैं है ना कुछ और छोटे छोटे खेत देख पा रहे हैं इस प्रकार के इनका मतलब यह हुआ कि खेत का जो आकार है वो समान नहीं है मतलब हर एक मालिक के अपने अलग अलग खेत होंगे इसका मतलब क्या हुआ कि खेत की साइज समान नहीं है मतलब जोत समान नहीं है हम बात कर रहे हैं कि जोत के आकार का छोटा जोत कहलाता है जो कहला जिस जमीन को आप जोतते हैं उसको हम जोत कहते हैं तो वो खेत की साइज हो गई खेत हो गया जिसको हम जोतते हैं वो खेत हो गया उस खेत का क्या हो गया धीरे धीरे छोटा होते जाना कैसे होगा उदाहरण के तौर पर समझते हैं 1960 में किसान गोविंद के पास सवा दो हेक्टेयर की भूमि थी और एक भैंस थी जमीन से उतना उसको मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत फायदा हो जाता था लेकिन आप देखें कि जब भैंस भी पालता था वो तो इससे भी उसको कुछ आमदनी होती थी उसका आराम से भैंस को और जमीन मतलब कृषि को मिला लें तो उसका आराम से काम चला था भैंस होगी तो सात आठ लीटर दस लीटर दूध देगी है ना तो दूध देगी तो दूध बिक जाएगा फिर बीच में हम घी बना लेंगे वो बेच लेंगे फिर भैंस के बच्चे होंगे वो भी अच्छी नस्ल के होंगे तो वो भी बिक जाएंगे आगे जाकर तो ये चलता रहता तो उससे क्या हो रहा है उसकी कमाई हो जाती थी इसके तीन लड़के थे जो उसको सहयोग करते थे खेती में मतलब आप समझा कि सवा दो हेक्टेयर टू पॉइंट टू फाइव हेक्टेयर से ठीक ठाक खेती हो रही थी लेकिन इतना नहीं कि ऐसो आराम कर सके थोड़ी बहुत कमी पड़ती थी वो कमी पूरा कौन कर दे रही थी पशुपालन कर रहे थे साथ में भैंस पाले थे खेत से चारा मिल जाएगा खेत का भूसा हो जाएगा इन सब व्यवस्थाओं से भैंस के ऊपर हमें अलग से खर्च नहीं करना पड़ रहा था और दूध मिल रहा था तो हमारा पूरा मिला जुला के काम हो जा रहा था लेकिन गोविंद के जो तीन लड़के थे गोविंद के बाद ये सवा दो हेक्टेयर की जमीन इन तीनों लड़कों में मान लीजिए किसका का एक ए एक बी और एक सी है कि राम श्याम ऐसा कर लेते हैं ना ये हो गया राम ये हो गया श्याम और ये हो गया घनश्याम तो ये तीन लड़के हो गए उसके हमने मान लिया पेपर में लिख मत देना कि उसके राम श्याम घनश्याम पे ये अपन ने मान लिया कि उसके तीन बच्चे हैं क्या माने एबीसीडी से तो अच्छा ही है तो राम श्याम घनश्याम हो गए तो अब इन तीन बच्चों में क्या हो जाएगा कि ये जो सवा दो हेक्टेयर जमीन थी वो सवा दो हेक्टेयर जमीन क्या होगी बटेगी अब जैसे ही बटती है तो उसको वन बाई थर्ड आप करेंगे तो लगभग कितनी आ जाएगी मतलब क्या हो गया मतलब ये हो गया कि आपका ये खेत का आकार इस खेत ये खेत ये किसका था आप मानिए कि ये खेत गोविंद का हुआ करता था पहले है ना ये खेत गोविंद का था कोई भी एक खेत आप मान लो गोविंद का है आपको मानना है तो ये खेत आप मान लो गोविंद का है गोविंद का खेत था और इसके खेत की आकार क्या है तो हमने माना कि 2.25 हेक्टेयर है क्लियर लेकिन गोबिंद के जाने के बाद गोबिंद के बच्चे कितने हैं तीन तो यह तीन बच्चों में बटेगा एक दो तीन राम श्याम और घनश्याम तो अब क्या हो गया खेत छोटा हुआ कि नहीं हुआ अब खेत जोत का आकार क्यों घटा मतलब जोत के आकार के बारे में क्यों कहा जा रहा है कि कह रहे ना कि जोत का आकार घट जाना जिसको आप जोतते हैं अभी आप देख रहे होंगे कि ये खेत था तो आप जोतते हैं इस चार दीवारी या इस दीवार के भीतर अब आप जैसे ही बटे तो आपको क्या हो गया इतनी जमीन जो मैर पड़ी हुई है हमने बाउंड्री बनाई है लाल कलर से इस पर तो आप जुताई करते नहीं होंगे क्योंकि आने जाने के लिए और बगल वाले खेत से कैसे सेपरेट रखेंगे वो भी है अब जैसे ही तीन लड़के हुए तो इन भी आपस में कैसे बांटेंगे कि खेत कैसा है तो बीच में कुछ मिट्टी डालनी पड़ेगी तो इन्हें डाली तो ये वाली जमीन फिर नहीं जोतेगी और इन्हें डाली ये वाली जमीन अब आप बताओ कि जो इसके पिताजी जुताई करते थे मतलब गोविंद जो जुताई करते थे भले वो सवा दो हेक्टेयर है जमीन नाप में भले वो नाप में सवा दो हेक्टेर है क्या उतनी ही जमीन पर उसके पुत्र खेती कर रहे नहीं कर रहे क्यों नहीं कर रहे तो उसका कारण आया कि बोले साहब डाली वाली मैर इन्हें डाल ली तो इतनी जमीन तो ये नई तो बेस्ट हो गई ना ये वाली जमीन की अगर हम बात करें ये वाली जमीन की अगर हम बात करें तो ये तो नई बेस्ट हो गई ना जो ये लाइन डाली है ये तो क्या है ये मैड़ है और ये मैड है तो इस पर खेती कर पाएंगे इस पर खेती होगी क्या नहीं होगी इस पर खेती इस पर आप खेती कर ही नहीं पाएंगे इस पर खेती नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि अगर खेती कर देंगे तो खेत कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन है उसका कौन है तो अब ऐसे ही देखना कि अब आगे जाकर क्या होगा आप आप देखना आगे जाकर क्या होगा आगे जाकर एक समस्या आ जाती है समस्या क्या आएगी कि इनके भी बच्चे होंगे कि नहीं होंगे अरे बताओ भाई बच्चे होंगे कि नहीं होंगे बच्चे तो होंगे इनकी तो अभी गोविंद के तीन लड़के थे तो ये तीन पार्ट में बत गया अब मान लो कि जो ये वाला लड़का था जिसको अपन राम कह रहे थे राम के आगे जाकर दो लड़के हुए राम के आगे जाकर दो लड़के हुए कौन कौन से राजू और कल्लू नाम मत लिखना ये अपन ले रहे हैं तो जो राम का खेत है ये राम का खेत था तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया किसमें किसमें राजू में और कल्लू में ठीक है अब जो एक और था जिसको आप क्या कहते हैं श्याम कहते थे तो श्याम के तीन लड़के हो गए कौन कौन से चिंटू पिंटू चिंटू पिंटू और छोटू ऐसा कर लेते हैं भाई ये तीन हो गए तो अब ये ये वाला खेत की साइज क्या होगी चिंटू पिंटू ये बांटना पड़ेगा कि नहीं बांटना पड़ेगा तो अब ये तीन हो गए और जो ये था इसको अपन ने माना कि इसको एक ही लड़का था तो इसका खेत नहीं बटा ठीक अब आप बताओ का आकार बढ़ा या नहीं बढ़ा बताओ मेड़ बढ़ी मैड़ बढ़ेगी तो मतलब जुताई कर पाएंगे क्या उस पर नहीं कर पाएंगे तो आप क्या कहेंगे जोतने वाला एरिया घटा कि नहीं खेत तो आज भी बराबर है खेत तो आज भी क्या है सवा दो हेक्टेयर का ही है खेत कितना है 2.25 हेक्टेयर का आज भी है लेकिन क्या ये इतना ही खेत हम जोत पा रहे नहीं जोत पा रहे पहले भी नहीं जोत पा रहे थे क्योंकि पहले चारों तरफ ये जमीन की मेड़ बनी थी ये नहीं जोत पा रहे थे फिर तीन बच्चे हुए जिस कारण से बीच में दो मेड़ बन गई तो फिर हम नहीं जोत पाए उस चीज को मतलब जोत का आकार और घट गया फिर एक के दो लड़के हुए तो ये वाली मेड़ बढ़ गई तो मतलब मान लीजिए कि यहां पर भी और जोत का आकार घटा एक के फिर दो हुए तो इनकी मेड डली ये मेड डली तो आप क्या कहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है जोत का आकार घट रहा है अगर परिवार बढ़ रहा है हाँ कब नहीं घटता कब नहीं घट रहा है जोत का आकार जब यह नहीं घटता कि गोविंद के तीन पुत्र ना होकर एक पुत्र होता और जब एक पुत्र होता तो उसको खेत पूरा चला जाता जितना गोविंद ने जोता उतना तो ही उसका पुत्र जोता लेकिन तीन हो गए तीन हो गए तो फिर आप भाई तीन पार्ट कर दो अब तीन के किसी के दो हो गए किसी के तीन हो गए किसी के चार पांच हो गए तो फिर क्या होगा वो खेत का मतलब जोत का आकार घटता चला गया है ना वो जोत का आकार क्या हो जाएगा छोटा होता चला जाएगा बात समझ में आई कि खेत का जोत का आकार क्यों घट रहा है ये बात समझ में आई क्योंकि बीच बीच में जैसे ही खेत बटेगा ये खेत है अभी मान लीजिए कि अपन पूरे खेत पर है ना थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं अपन खेत यह भी हमारा खेत था और इस खेत पर हम बढ़िया तरीके से खेती कर रहे थे बढ़िया तरीके से खेती हो रही थी हमारी यह हरा हरा हम क्या मान लें कि खेती कर रहे हैं अब आपने क्या किया कि ये तो अपनी खेती हो ही रही थी यहां पर ठीक है और ये हमारी मेड़ बनी हुई थी ये बगल में किसी और का खेत होगा अब ये पूरा आप जोत रहा हो अभी है ना पूरे की जुताई कर रहे हो आप पूरे की मतलब अगर हम कहेंगे ऐसे ड्रैग करते हुए चले जा रहे हो आप ऐसे ड्रैग करते हुए चले जा रहे हो ये पूरे की जुताई आप कर रहे हो इस तरीके से लेकिन आपके दो बच्चे हो गए दो बच्चे हो गए तो बीच में से क्या डालनी पड़ी मैले डालनी पड़ी तो क्या अब इस मेले के ऊपर आप पैदावार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो खेत का आकार करता है आप कागज के ऊपर तो आज भी इसका आकार कितना देखने को मिलेगा आपको कि 2.25 ही है लेकिन एक्चुअल में क्या 2.25 पर आप बीज डाल पाए नहीं कुछ मेले निकल गई फिर अगली पीढ़ी में फिर दो-दो तीन-तीन बच्चे हो गए सबके किसी के दो किसी के तीन मान लीजिए कि इसके दो हो गए तो इसकी दिक्कत आ गई इसके तीन हो गए तो इसने ये डाल दिया अब ये क्या होगा ये फिर मैं बन गई तो क्या होगा और घटेगा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अगर परिवार बढ़ता है आपका और एक से ज्यादा बच्चे होते हैं आपके तो क्या होगा समझ में आई बात क्या होगा लड़ाई तो होगी नहीं भैया खेत का आकार छोटा बे... मतलब क्या होगा का मतलब क्या है क्या होगा ये खेत ये मैण बलती जाएंगे अब इनके बच्चे और आ गए मान लीजिए कि इनके बच्चे आ गए तो फिर ये दो पार्ट में बट गया फिर ये तीन पार्ट में बट गया फिर ये दो पार्ट में बट गया है ना फिर ये मान लीजिए कि ये तीन पार्ट न बट गया ये जहां का तहां अब बताओ आप खेत क्या रहा कितना बचा खेत आपका ये बचा खेत आपका सॉरी ये बचा खेत आपका एक ये बचा खेत ये बचा खेत इतने बचे ना इस पर ही आप खेती कर पाएंगे जो हरा हरा कर रहे हैं वही खेती के लायक है बाकी तो आप खेती कर नहीं पाएंगे ना बाकी पर तो आप खेती कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको आने जाने के लिए ट्रैक्टर निकालने के लिए अपने जानवर निकालने के लिए जगह चाहिए और दूसरे के बगल वाले के खेत से अपने आपको सेपरेट करना पड़ेगा तो वो जगह चाहिए तो ये क्या है ये इतने खेत आपके बच पाएंगे यहां पर समझ में आ रही बात की नहीं आ रही तो जोत का आकार समझ में आ रहा है जोत का आकार कैसे घटा मतलब खेत के आकार का घटना है ना मतलब खेत पर जिस पर हम जुताई करते हैं ना खेत का आकार नहीं घटेगा एक तरीके से हम किस क्या घट रहा है जिस पर हम जुताई करते हैं मतलब जुताई वाला क्षेत्र घटेगा अगर हम यहां पर और सही तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि खेत का आकार ना घटकर इसको हम क्या कर सकते हैं इसको हम कर सकते हैं कि जोत का आकार घट रहा है क्या कर सकते हैं जोत का आकार घट रहा है किसका जुताई वाला अथवा बुवाई का क्षेत्र बुआई का क्षेत्र घट रहा है समझ में तो अब आपको समझ में क्या आया अब आपको समझ में आया कि एक खेत ये हो गया ये एक हो गया दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह कभी इस पूरे खेत का मालिक एक आदमी था उसके दो बच्चे हुए तो ये दो टुकड़ों में बटा बराबर बराबर फिर जब दो बच्चे थे तो एक के बच्चे हुए मतलब दो बच्चे थे तो एक के दो हुए एक के तीन हुए, तो तीन हुए तो तीन पार्ट में बटा फिर एक के दो हुए तो ये दो पे एक के तीन हुए एक का एक ही रहा तो ऐसे ये क्या होता गया बढ़ता चला गया आगे बढ़ता चला गया समझ में आई बात तो अब ये मैड लड़ रही है जो उस पर आप जुताई कर पाएंगे नहीं तो क्या हुआ जोतने वाला एरिया घटा बिल्कुल घटा तो ये क्या हो गई ऐसे जुताई का क्षेत्र या जोत का आकार यहां पर घटता गया में आई बात चले आगे अब खेत का आकार घटने से क्या हुआ गोविंद के पुत्रों का गुजारा नहीं हो पा रहा था दिक्कत आ रही थी क्यों हो गई थी कि एक तो इसके पिताजी जो गोविंद थे वो खेती करते थे 2.25 हेक्टेयर पर और पुत्र कितने पर करने लगे हैं हर एक पुत्र के खाते में आया इतना तो जब इसको ही दिक्कत आ रही थी भैंस पाल के काम चलाना पड़ रहा था तो उनके पुत्रों को भी समस्या आना स्टार्ट हो गई जबकि ऐसा नहीं है कि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं सिंचाई की व्यवस्था भी बढ़िया है और खेती की आधुनिक विधियां भी हैं उसके बाद भी खेत तो मैटर करेगा ना आपको जमीन तो होनी चाहिए तो अब उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य की जरूरत पड़नी पड़ी लगने लगी अतिरिक्त कार्य जैसे डेयरी गाय पाल लेंगे दूध निकाल के बेच लेंगे या किराने की दुकान खोल लेंगे या कोई और काम करने लगेंगे बीच बीच में कुछ और करने लगे ऐसी इनको जरूरत पड़ने लगी अब आप देखें यहां पर छोटे छोटे टुकड़ों पर छोटे किसान खेती करते हैं मतलब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना ये ये छोटे छोटे टुकड़े आप देख पा रहे हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं ये आप देख पा रहे हैं इन छोटे टुकड़ों पर खेती कौन करता है छोटा किसान खेती करता है मतलब जिसके पास होल्डिंग कम है जिसके पास जमीन कम है वो खेती करता है सॉरी <coughs> गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लॉट है ना बड़े आकार के प्लॉट आप जैसे कह सकते हैं कि एक ये हो गया 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 और इनको देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि यार ये तो आपको लग रहा है कि लगभग जितनी जमीन है उसका उससे बहुत ज्यादा है और अगर हम खेत गिनेंगे तो 10 हैं और ये छोटे-छोटे खेत गिनेंगे तो कितने हैं 6 12 6 13 6 4 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 36 40 44 48 52 जबकि बड़े खेतों की दस देख पा रहे हैं। मतलब क्या हुआ मतलब उन पर कुछ लोगों का अधिकार है और वो आधे से ज्यादा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे और इन बड़े क्षेत्रों को कौन रखता है तो इनको देखते हैं मझोले और बड़े किसान के लगभग जो साठ परिवार है उनके पास दो हेक्टेयर से अधिक जमीन है

फिर मझोले किसान जिनके पास दो हेक्टेयर के आसपास जमीन है और फिर ये बड़े किसान जिनके पास दस हेक्टेयर के आसपास है उनकी संख्या और कम है कुछ हम फिगर के माध्यम से तो देखते हैं अब ये जो आप स्टैटिक्स देख पा रहे हैं या एक ग्राफ आप देख पा रहे हैं ये आप देख रहे होंगे तो इसमें दो तरीके की चीजें बनाई गई है ये डार्क कलर बताया गया है छोटे किसान और सीमांत किसान के लिए छोटे और सीमांत किसान के लिए और ये लाइट कलर बनाया गया है मध्यम और बड़े आ, किसान के लिए मझोला किसान जो कहते हैं मझोले और बड़े किसानों के लिए बनाए गए मतलब यहां पर अगर देखें तो एक तरफ आपको लिखा है कृषि क्षेत्र मतलब जो खेती का एरिया है वो कैसे बटा हुआ है और एक तरफ है किसानों की संख्या मतलब किसका कितना मालिकाना हक है मतलब किस जमीन पर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट मतलब किसान अगर हम भारत में मान लें कि पैंसठ परसेंट पॉपुलेशन किसान है या साठ परसेंट पॉपुलेशन किसान है या पचास परसेंट पॉपुलेशन किसान है तो लगभग आपको पैंसठ करोड़ किसान मिलेंगे भारत में तो पैंसठ करोड़ किसान मिलेंगे आपको चूंकि आपको कितने किसान मिलेंगे पैंसठ करोड़ किसान मिलेंगे भारत में लगभग की बात कर रहा हूं ये डाटा पकड़ के मत बैठ जाना है ना लगभग पैंसठ करोड़ किसान मिलेंगे तो उस पैंसठ करोड़ में छोटे बड़े मध्यम छो, बिल्कुल छोटे ये सब कुछ होंगे तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि किसानों की कौन से छोटे वाले हैं कौन से बड़े वाले अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे यहां पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो डेटा है आप देख रहे हैं यहां पर ये यह कुछ इस तरीके से बटा हुआ है ये वाला जो एरिया है जो आपको लगभग 44.6 परसेंट के आसपास दिख रहा है ये किसका है यहां पर बड़े और मझोले किसान है बड़े और मझोले एरिया आप देख पा रहे होंगे तो इस तरफ का एरिया आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये वाला जो एरिया किसका है तो 54 आप, ये आप देख रहे हैं? कितना देखने को मिल रहा है आपको 54 point, है ना 54.5 के आसपास आप देख पा रहे हैं तो ये वाला इलाका जो आप किसका देख पाएंगे तो ये आप पाएंगे कि ये किस पर है यहां पर छोटे किसान आपको देखने को मिले कौन मतलब जब जमीन बटी जब खेती की जमीन बटती है तो आप देखते हैं कि लगभग आधी आधी है चार पांच परसेंट को अगर हम भूल जाएं तो पचास परसेंट में भारत के छोटे किसान हैं और पचास परसेंट में भारत के बड़े किसान हैं अब बात करते हैं कि छोटे किसानों की संख्या कितनी है और बड़े किसानों की संख्या कितनी है तो आप देखेंगे कि ये पचास परसेंट में है ना इस पचास परसेंट में अगर आप बात करेंगे यहां पर अगर हम देखें यहां पर पचास परसेंट की अगर आप बात करें तो इस पचास परसेंट में आप पाएंगे कि ये पचपन दशमलव चार परसेंट में कितने लोग हैं यहां पर पचासी प्रतिशत किसान कौन है छोटे हैं मतलब हम क्या कह सकते हैं तो हमारा कहने का तरीका यह हो सकता है कि आधी जमीन पर आधी जमीन पर क्या लिखते हैं आधी कृषि भूमि पर हम क्या लिखते हैं आधी कृषि भूमि पर 85 प्रतिशत किसानों का स्वामित्व है मतलब मालिक है और जो कैसे किसान है जो छोटे किसान हैं बाकी की बची आधी जमीन बाकी की बची आधी जमीन की अगर आप बात करते हैं है ना बाकी की बची आधी जमीन की आप बात करते हैं तो ये आधी जमीन पर किसका अधिकार है मात्र पंद्रह प्रतिशत पर तो क्या लिखते हैं यहां पर कि बाकी की पंद्रह प्रतिशत पर है ना बाकी की पचास प्रतिशत बाकी की आधी पर बाकी की आधी पर मतलब आपको बात समझ में आई कि ये पंद्रह प्रतिशत की जो बात की जा रही है यहां के लोगों के पास क्या होगा खेत बड़ा होगा कैसा होगा खेत की साइज ज्यादा होगी और जो यहां पर बात की जा रही है इनके पास खेत कैसा होगा छोटा होगा चूंकि यहां पर संख्या ज्यादा है जमीन उतनी ही है समझ में आई तो क्या हो गया कि जैसे परिवार बढ़ते जाएंगे संख्या बढ़ती जाएगी खेत का आकार छोटा होता चला जाएगा आप मान लीजिए अभी आप आप मान लीजिए आपके पास आप आठ हेक्टेयर दस हेक्टेयर जमीन है आपके तीन चार लड़के हो गए आठ हेक्टेयर से अगली पीढ़ी में कितनी बची दस हेक्टेयर थी ना तो पांच बच्चे पांच लड़के हो गए दस हेक्टेयर थे दो दो हेक्टेयर बची और किस्मत से पांचों को फिर पांच पांच हो गए किस्मत से पांचों को फिर पांच पांच हो गए तो पच्चीस नाती हो गए आपके पोता होगा आपकी तो जो आपने दस हेक्टेयर पर खेती करी वो आपका बच्चा दो हेक्टेयर पर कर पा रहा है और वो दो हेक्टेयर पर उनने भी पांच पैदा कर दिए तो वो कितने पर कर पा रहा है आधे हेक्टेयर से भी कम पर कर पा रहा तो क्या होगा जोत का आकार घटते चला जाएगा उनके दादाजी बड़े किसान कहलाते थे लेकिन पोता क्या हो गया छोटे किसान की कैटेगरी में आ गया तो संख्या क्या हो गई अभी जब ये खेती कर रहे थे तो ये इकलौते थे दस हेक्टेयर पर अब उस दस हेक्टेयर पर पच्चीस लोग खेती कर रहे हैं एक पीढ़ी के बाद 25 लोग खेती कर रहे तो क्या होगी संख्या बढ़ जाएगी तो यहां पर बताएगी कि छोटे किसानों के पास जो जमीन है वो आधी है लेकिन नंबर ऑफ किसान किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है पचासी प्रतिशत और जो बड़े किसान है उनके पास संख्या कम है जमीन जबकि उनके पास उतनी ही जितनी टोटल छोटे किसानों के पास है ये टोटल जमीन पर चर्चा चल रही है भारत की कुल जमीन पर हम चर्चा कर रहे हैं तो कुल कृषि योग्य जमीन को दो हिस्सों में बांटा एक हमने देखा कि छोटे किसानों की जमीन एक हमने देखा बड़े और मझोले किसानों की जमीन तो छोटे किसानों की जमीन हमने देखी और जब किसान गिने तो पता चला कि भारत के सभी किसानों का पचासी किसान तो छोटे किसान है और जमीन के पास आधी है और जब हमने बड़े किसान देखे तो उनके पास भी जमीन आधी थी लेकिन वो भारत के पूरे किसानों का मात्र पंद्रह निकले तो इससे आपको समझ में आ गए कि ये किसानों की जमीनों का है। और हमने ये कि टॉपिक तो तो जो है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है इसके फिर हमारा इस टॉपिक में कुछ बसता नहीं है ना तो ये हमने वितरण वाले टॉपिक को एकदम कंप्लीट कर लिया अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स है ना आप, आप देख ही रहे होंगे मैग्नेट ब्रेन जो क्या है एकदम फ्री एजुकेशन के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए अपने आप में प्रसिद्ध है आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है अब आप मैग्नेट ब्रेंस को आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं मोबाइल ऐप के ऊपर और आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर सभी जगह आपको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा मिलेगी कोई कोर्स आपको खरीदना नहीं है कोई कूपन का आपको लगाना नहीं है कोई सब्सक्रिप्शन आपको परचेस करना नहीं है आपको हंड्रेड परसेंट फ्री में देखिए यहां पर हमारे कई सारे कोर्स चलते हैं जैसे आप देखेंगे जो हमारे कोर्सेज हैं कि यहां पर हम स्कूलिंग स्कूलिंग के अंदर आप देखेंगे तो सीबीएसई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक कवर की जा रही है फिर एन टी एस आईआईटी ओलंपियाई नीट यूपी और बिहार बोर्ड के लिए भी अलग से क्लासेस चलती हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए भी चलती है और कंपटीशन की तैयारी के लिए बैंक इंश्योरेंस आर आरबीएसएससी यूपीएससी जैप कैब इन सब की भी तैयारियां यहां पर चल रही है इन सबको भी यहां पर क्या किया जा रहा है ये सारी तैयारियां चल रही है तो इन, इनके कोर्स भी बिल्कुल फ्री में है मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल का फ्री में दे रहा है उसका पैसा कोई पैसा किसी कोर्स का नहीं है सब कुछ फ्री दिया जा रहा है आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं यूट्यूब से तो आप जुड़े हुए हैं और है ना यूट्यूब से तो जुड़े हुए तो हैं तो यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हैं यूट्यूब से जुड़ सकते हैं फेसबुक पर जुड़ सकते हैं इंस्टा पर जुड़ सकते हैं ट्विटर पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जुड़ने का तरीका सिंपल सा मैग्नेट ब्रेन सर्च करना और आसानी से जुड़ जाना आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन हिंदी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सातवीं से लेकर बारहवीं तक का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराता है ये कोर्स उपलब्ध फ्री में करा रहे हैं तो फिर भाई कुछ हमको भी चाहिए हमको क्या चाहिए कि आपका सपोर्ट आपका प्यार है ना तो आप सपोर्ट और प्यार कैसे करेंगे तो आप मैग्नेट ब्रेन हिंदी देखते होंगे तो आप इसको देखेंगे और इसको तुरंत आप सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने को बोलेंगे वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक करेंगे जो भी वीडियो देखते हैं किसी भी टीचर का आप देखते हैं तो लाइक जरूर करें और उसको शेयर जरूर करें ताकि ये वाली जानकारी फ्री शिक्षा की जो क्रांति है वो घर घर तक जाए भारत का हर बच्चा पढ़ पाए पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया कमेंट सेक्शन में भी आप जा सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं आपके डाउट भी वहाँ हो सकते हैं आप हमें भी फीडबैक दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए पढ़ते रहिए मस्त रहिए चलिए मिलते हैं धन्यवाद